नमस्कार साथियों, सरकार ने भूमिहीन परिवारों के लिए आवासीय पट्टा देने का प्रावधान बनाया है ताकि इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि भदोही जनपद ज्ञानपुर ब्लॉक के पकड़ी कला गाँव में 15 ऐसे परिवार हैं जो आज तक तालाब पर बसे हैं और इन्हें आवासीय पट्टा न मिलने से इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। साहब, हमारे दिक्कत वह है, हमारे रहाई जगह ना इन्हें। हम लोग कई बार दरख्वास्त डाले, हमारा लोग का कोई सुनाई नहीं है। यहाँ के जो लोग बड़े लोग हैं, हम लोग को दबा के रखते हैं, कहते हैं यहाँ पे गिरा देंगे, घर गिरा देंगे, या कर देंगे, वह कर देंगे। हम लोग रोज़ लेबराना करके खाते जीते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर हमारा सबका घर गिर जाएगा तो हम लोग का जाएंगे कहाँ? हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। 300 रुपये में खाएं जिए कि घर बनाएं कि जगह लें। हम लोग तालाब के किनारे बसे हैं, कई बार हम लोग दरख्वास्त दिए हैं, नेपाल आए देख के चले गए, बड़े लोग दाब देते हैं, फिर यहाँ दोबारा नहीं आते हैं। बार बार हम लोग जाते हैं आते हैं, प्रधान लोग बोलते हैं चलो कोई सुनायत होगा अगले महीने, कोई नहीं सुनता है हमारा सबका। सरकार से हम यही चाहते हैं हमको जगह थोड़ा सा कहीं भी दे दे, हम लोग बना के रह लेंगे, झोपड़ी लगा लेंगे। हमारे पास ज़मीन नहीं है और मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, बच्चों का अपना पेट पाल रहा हूँ, किसी तरीके से बच्चे शादी योग्य हो चुके हैं, लेकिन जमीन नहीं है तो घर नहीं बन पा रहा है। आवास के लिए भी भरे थे, उसमें अधिकारी लोग आए, मैं जिस मकान में रह रहा था उसको चेक करके चले गए, बोले कि इनके पास पक्का है। बताइए, मैं दूसरे के घर में हूँ तब पर भी जो है कि कह रहे हैं कि इनके पास पक्का है। मैं कभी इस घर में जाता हूँ, कभी उस घर में जाता हूँ, इसी तरीके से मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। सर, प्रयास तो भाई लोग प्रधान ही से करते हैं, पहले प्रधान से प्रयास किए तो प्रधान एक भाई तुम अप्लीकेशन डालो ज्ञानपुर में। मैं जा करके DM को दरख्वास्त दिया तो उस पर जो है नेपाल आए, अपना पूछताछ करके एक दो तीन आदमी के दस्तखत भी करा के गए हैं, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये दूसरे के मकान में रह रहे हैं और हमारे बच्चे शादी योग्य हो चुके हैं। जब ज़मीन नहीं है तो घर नहीं बन पा रहा है। अरे नहीं का पैसा होता तो कम से कम लोग मड़ई लगा के अपने घर पर रहते। हमारे यहाँ कुछ ऐसे गरीब भाट परिवार हैं जो रोड पे या तालाब पे रहने के लिए विवश हैं। इसकी समस्या यही है कि हमारे ग्राम सभा में पुरानी कदीम प्रति नईम प्रति आबादी जमीन पर्याप्त है, लेकिन हमारे ही ग्राम सभा के पूर्व लेखपाल पूर्व कानीगो ये ऐसे भूमाफिया लोग हैं और कुछ ग्राम सभा के बड़े लोग जो पूंजीपति भूमाफिया हैं, वो लोग अपने परिवार अपने नाती पोते अपने बहू अपने पत्नी अपने नाम पट्टा अपने ही समय सरकारी पद पर रहते हुए ही करा लिए थे, जिससे हमारे यहाँ गरीबों को आवास आवंटन पट्टा देने हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है। जब तक इन भूमाफियाओं का पट्टा निरस्त नहीं किया जाएगा तब तक हमारे यहाँ गरीबों को आवास आवंटन हेतु भूमि नहीं उपलब्ध हो पाएगी। हम आपके मीडिया के माध्यम से सरकार और DM महोदय माध्यम से अपील करना चाहते हैं, इन भूमाफियाओं का पट्टा निरस्त करते हुए गरीब परिवार ग्राम सभा पकड़ी कला के जो भी जात समाज के लोग हों उनका जांच कराते वक्त उन्हें आवास आवंटित पट्टा दिया जाए। मैंने इस समस्या पे वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद समझा समझ बैठक की गई और निर्णय लिया गया कि हम लोग जिला अधिकारी महोदय के यहाँ जाके आवेदन लेंगे ताकि इन सभी परिवारों का जल्द से जल्द आवासीय पट्टा हो सके। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं अनिल कुमार भदोही उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनर्ट के लिए।